केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा संविधान ही हमारे देश की आत्मा है। संविधान निर्माताओं ने न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की मूल भावनाओं को आधार बनाकर इस देश के नागरिकों को समान अवसर एवं समान सुरक्षा प्रदान किया। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत संविधान के इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को सुरक्षित करने की है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर कभी भी यकीन नहीं किया, कभी इसका सम्मान नहीं किया, संविधान के विरुद्ध ही बात की और कार्य किए। आज वही लोग हर एक संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने में जुटे हुए हैं, पिछले दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराते धमकाते हैं, झूठे मुकदमों के फंसाने की कोशिश करते हैं, अपने अरबपति मित्रों को देश की संपत्ति बेचते हैं, उन्हीं की मदद से मीडिया को अपने चंगुल में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकार की सच्चाई लोगों के सामने उजागर ना हो। जानबूझकर न्यायपालिका से टकराव करने के लिए हमले करते हैं। विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है। हर उस संस्थान को जो स्वतंत्र रूप से संविधान के अनुरूप चल रही थी, उसमें अपने लोगों को बिठाकर उसे अपने वश में करने का षड्यंत्र जारी है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के आंकड़े मोदी सरकार के विफलताओं की कहानी स्पष्ट शब्दों में बयान कर रहे हैं। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के कमजोर करने को सोची समझी साजिश चल रही है। गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भाई को भाई से, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से, एक जाति के लोगों को दूसरे जाति के लोगों से, एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लड़ाने का काम 24/7 चल रहा है। और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को भाषण, कैंपेनिंग और चुनाव के अलावा किसी बात से मतलब नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले वर्ष 2024 भारतीय गणतंत्र अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने संविधान और संवैधानिक संस्थानों को मजबूत बनाएं, न्यायपालिका पर हो रहे आक्रमण के विरोध में खड़े हो, गरीबों और वंचितों के अधिकारों के सुनिश्चित करें और भारत को एक सुनहरी भविष्य की ओर ले जाए। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद।